अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में रमज़ानुल मुबारक के चांद के हवाले से बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं कि सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आया है कि नहीं और पाकिस्तान और इंडिया में रमज़ानुल मुबारक का चांद कब नजर आएगा। तमाम तर तफसीलात आगे चलकर हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और हो सके तो सवाब समझ कर इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर देना। नाज़रीन ग्रामी, तमाम महीनों में अफजल महीना रमज़ानुल मुबारक, जिसका इंतजार पूरी दुनिया के मुसलमानों को होता है। इस महीने की बरकत ही कुछ ऐसी हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो इस बाबरकत महीने का एहतराम करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त अल्लाह की बंदगी में गुजारे और रमजान के रोजे रखे। बेशक अल्लाह रोजेदार की हर दुआ कबूल करने वाला है। नाज़रीन, रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका इल्म अल्लाह और उस रोजेदार को ही होता है। माह रमजान जब भी अपनी बरकतें लेकर आता है, इस मुकद्दस महीने का चांद देखने के लिए रूहते हलाल कमेटी को तश्कील दिया जाता है और हर मुस्लिम मुल्क में माह रमजान का चांद देखने के लिए कमेटियां तश्कील दी जाती हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब में इतवार की शाम चांद देखने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। इस रूहते हलाल कमेटी के मुताबिक चांद नजर आ गया है। पहला रोजा आज यानी सोमवार को सऊदी अरब में होगा और अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो पाकिस्तान और इंडिया में रूहते हलाल कमेटी का इजलास जारी है जिसमे रमजान के चांद के बारे में तफसील से रिपोर्ट जारी की जाएगी। अगर चांद नजर आ गया तो पहला रोजा इंशाल्लाह मंगल वाले दिन होगा और इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।